हेलो बच्चों, ईश विद्या कार्यक्रम को मैं तुम सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक नया विषय पठन करेंगे जिसका नाम है उत्कल मणि। तुम जानते होंगे हमारे उड़ीसा का पहले कई नाम भी थे, तो उत्कल भी उड़ीसा को कहा गया था। उत्कल, कलिंग, कंगोद ऐसे नाम से उड़ीसा पहले परिचित था। तो उस उत्कल का मणि, मणि का मतलब जो सबसे शीर्ष स्थान पर रहता है, उसका स्थान सर्वोच्च है। ऐसे हमारे उड़ीसा के ऐसे महान जननायक है जिसका नाम तुम भी जानते होंगे, उनका नाम गोपबंधु दास। तो उनको उत्कल मणि के रूप से बोला जाता है। ये उत्कल मणि कहेंगे तो उनका तस्वीर हमारे सामने आ जाएगा। तो ये है उत्कल मणि गोपबंधु दास, जिनका जन्म 1877 और मृत्यु 1928 ईस्वी को हुआ है। उनका जीवन काल बहुत छोटा है तो ज़्यादा समय तक नहीं रहे, लेकिन ये पुरी जिले के सुवांडो गांव में जन्म हुआ था। उनका जन्म 1877 9 अक्टूबर को पुरी जिले के सुवांड नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। पुरी जिला, हमारे उड़ीसा में 30 जिले होते हैं, उनमें से पुरी एक जिला है जो जगन्नाथ धाम के लिए मशहूर है, तुम जानते होंगे। और उनका मृत्यु हुई थी 18 जून 1928 ईस्वी को। तो गोपबंधु दास का नाम उड़ीसा के इतिहास में विशेष महत्व है और उनको आधुनिक उत्कल का निर्माता माना जाता है। आधुनिक उत्कल का निर्माता माना जाता है। तो गोपबंधु ने आजीवन उड़ीसा की सेवा की। तो ये स्वभाव से सत्यनिष्ठ, देश प्रेमी, त्यागी, संयमी, ईमानदार और परोपकारी थे। जैसे उड़ीसा की सेवा के लिए ये जन्म लिए थे, सेवा उनका जैसे व्रत था, तो गोपबंधु सर्वदा लोक कल्याण, देश प्रेम, समर्पित सेवा, सत्य, अहिंसा और नीति के पक्षधर थे। ये उड़ीसा के दुख, दर्द, आशा, अभिलाषाओं को अंग्रेज के सामने रखने वाले एक निर्भीक नेता थे। तुम जानते होंगे कुछ दिन पहले की बात है, बहुत दिन की बात है, उस समय हमारे प्यारा भारतवर्ष को अंग्रेज ने कब्जा कर लिए थे। अंग्रेज शासन करते थे हमारे भारतवर्ष को। तो वे हमारे देश का जितने सारे धन दौलत ये लुंठन करके अपने देश को ले जाते थे और हमारे जनता को संतुष्ट नहीं कर पाते थे। तो जनता के सुख दुख से ये बेखबर और बेपरवाह रहते थे। तो इसीलिए लोग बड़े उलझन में थे, चिंतित थे और बहुत दुख सहन करते थे। तो उसी समय गोपबंधु दास जैसे महान देश सेवक का जन्म हुआ है। तो ये हमारे उड़ीसा के
पुरी जिले में साखी गोपाल एक मशहूर स्थान है, ये भी तुमको मालूम होगा। तो साखी गोपाल के पास सत्यवादी वन विद्यालय बनाया था, सत्यवादी वन विद्यालय। तो ये सवाल आएगा, तो सत्यवादी वन विद्यालय किसने बनाया था? तो इसका जवाब होगा उत्कलमणि गोपबंधु दास। तो इस विद्यालय में ज्ञान प्रदान के साथ साथ छात्रों को चरित्र निर्माण, नैतिक शिक्षा, देश सेवा पर भी बल दिया जाता था। तो छात्रों को कैसे निर्माण किया जाता है? चरित्र तो ये बड़ा महत्वपूर्ण, तो हर बच्चों के लिए चरित्र निर्माण, चरित्र गठन, हम चरित्रवान होंगे, अच्छा आचरण अपनाएंगे, बुरा आचरण को परिहार करेंगे या परित्याग करेंगे। और नैतिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा भी इस वन विद्यालय में दिया जाता था, नैतिक शिक्षा और देश सेवा। तो हम भारतवर्ष में जन्म लिए हैं, तो इसलिए हमारे प्रिय मातृभूमि के लिए हमको कुछ ना कुछ सेवा करनी चाहिए। तो ये सब शिक्षा वन विद्यालय में दिया जाता था। तो वन क्या है? वन का अर्थ है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, तो उसका वातावरण बहुत शांत स्निग्ध भी होता है। तो उस स्थान में बच्चे उस जमाने में पढ़ते थे, और छात्रों को पढ़ने के साथ साथ तो चरित्र निर्माण के बारे में शिक्षा दिया जाता था, नैतिक शिक्षा दिया जाता था, और देश सेवा कैसे किया जाए उसके बारे में भी शिक्षा दिया जाता था। उसके साथ साथ और कुछ काम भी उनको सिखाया जाता था, जैसे बढ़ई का काम, बढ़ई जो कुर्सी मैच और चारपाई ये सब तैयार करते हैं, और ये जो दरवाजे खिड़कियाँ ये सब लकड़ी में भी तैयार करते हैं, बढ़ई ये काम करते हैं। और खेती का काम तो हम सबको ये भी सीखना चाहिए। तो पढ़ाई के साथ साथ ये विद्या भी हर छात्रों को सीखना चाहिए। खेती का काम मतलब कृषि का काम, चित्रकला, बुनाई आदि, ये सब बुनाई काम जो जुला काम करते हैं, कपड़ा तैयार करते हैं, बुनाई का काम, इसे हर बच्चों को सिखाया जाता है। क्यों? ना उनको स्वावलंबी बनाया जाता है, स्वावलंबी आत्मनिर्भरशील होना चाहिए। हमको सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ साथ हमको ये जो वोकेशनल शिक्षा है उसको भी प्राप्त करना चाहिए। तो ये सब कार्य सत्यवादी वन विद्यालय में हर छात्र ये सब अपना अपना काम अपने हाथों से खुशी के साथ करते थे, हर कार्य को खुशी में करना चाहिए, खुशी से हमको करना चाहिए, तो हमको अवश्य कामयाबी मिलेगा। तो उस जमाने में एक और बात है, मैं गोपबंधु दास की उनकी बारे में और कुछ चर्चा कर रहा हूँ। तो एक दिन की बात है, तो आसमान में काले काले बादल घूमने लगे अचानक, और काले बादल जब आसमान में दिखाई देते हैं तो क्या होता है? तो बारिश होता है। तो रात भर झमाझम पानी बरसता रहा। तो रात को 2 बजे करीब किसी की सिसकने की आवाज सुनाई पड़ी, सिसकने की आवाज, सिसकना
के जानते हो शीर्षक ना, शीर्षक ना रोना। तो करीब रात को दो बजे करीब किसकी शीर्षक ना का आवाज सुनाई पड़ी, रोने की आवाज सुनाई पड़ी। तो जितने सारे छात्र थे सब जग गए, सब जागृत हो गए। तो वे उस शिक्षक के पास, उनके जो कमरा है उसके पास जाकर पहुंचे, शिक्षक के कमरे के पास जाकर पहुंचे कि कौन शिक्षक रहा है, कौन रो रहे हैं, कौन। पहुंचे देखे तो देखा कि स्वयं गोपबंधु रो रहे हैं। सभी छात्रों ने देखा कि गोपबंधु रो रहे हैं। तो गोपबंधु ने सभी छात्रों को कहा, देखो रात भर पानी बरसा है, रात भर पानी बरसा है, नीचे वाले इलाकों में पानी भर गया होगा। जो नीचे वाले इलाके, पहाड़ी वाला इलाके में तो पानी नहीं भरता है, नीचे वाले इलाके में पानी ज़्यादा आता है। नदियों में बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ आने से खेत क्यारियाँ घर वार सब तहस नहस हो जाएंगे। तो नीचे वाले इलाके में पानी भर गया होगा, नदियों में बाढ़ आ गई होगी, नदियों तो बाढ़ नदियों में आती है। लोगों के घर बार खेत क्यारियाँ तहस नहस हो गई होगी, तो लोगों के घर बार खेत क्यारियाँ तहस नहस हो गई होंगी। ये बात गोपबंधु दास ने सभी छात्रों को बता दिया, देखो हालत क्या होगा, इतना पानी रात भर झमाझम बरस रही है तो उसका परिणाम क्या है। तो उस जमाने में, उस समय में हमारे देश को अंग्रेज लोग शासन करते थे। तो इस परिस्थिति के ओर वे नज़र नहीं देते थे, तो सरकार उनकी सहायता तो नहीं करती। ये बोले, कौन बोले, गोपबंधु दास। तो क्या बोले, चलो हम लोग गांव गांव में जाएं, चलो हम लोग गांव गांव में जाएं और लोगों को मदद पहुंचाएं, मदद पहुंचाएं। लोगों को क्या पहुंचाएं, मदद, मदद मतलब सहायता। तो लोगों को मदद पहुंचाए, तो ऐसे उत्कल की सेवा के लिए जैसे ये जन्म लिए थे, उत्कल के लिए ये समर्पित थे, उनका जीवन, उनका मन, उनका प्राण ये उत्कल के लिए समर्पित करते थे। तो देखो और कुछ कठिन शब्द है जो बेखबर, बेखबर बेखबर मतलब जिसे कुछ खबर या पता न हो, जिसे कुछ खबर या पता न हो। हमें लिखी बा जहाँ किछि खबर जाना नहीं है। बेपरवाह का अर्थ क्या है, बेपरवाह, बेपरवाह, बेपरवाह का अर्थ है जिसे किसी का परवाह या चिंता ना हो, जहां आपको किसी चिंता बताए।
अच्छा बच्चों, आज इतना ही है और मैं तुम सबको धन्यवाद देकर आज का यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।